मैं पाकिस्तान जा रही हूँ 13 अगस्त को। तो मेरी जो बड़ी बेटी है उसे मोशन सिकनेस का प्रॉब्लम है प्लेन में ना, तो मैं चाहती हूँ आप उसके लिए कुछ पढ़ने के लिए बताइए कि ताकि हम सलामती के साथ खैर आफियत के साथ पहुँच जाएँ। वैसे आपने मुझे सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 80 जो थी वो बताई थी 41 दफ़ा पढ़ने के लिए कि हम खैरियत से जाएंगे और खैरियत से आ जाएंगे, वो तो मैं मतलब जारी रखा हुआ है मैंने, तो मैं पढ़ रही हूँ। तो इसके अलावा अगर आप कुछ बता सकते हैं तो ज़रूर बताइए कि अल्लाह ताला आपको सेहत सलामती अता फरमाए और आपका काम इसी तरह जो है वो जारी रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ जी। सफ़र के लिए बेटी का जो है उसके लिए नोट कर लें, या बाईसु वक्फे वक्फे से सफ़र में जो है 11 दफ़ा पढ़ पढ़ के वो अपने ऊपर फूंकती रहे, या बाईसु 11 दफ़ा पढ़ के फूंक ले, आप पढ़ के उसके ऊपर फूंकती रहें, या जो खाना पीना वहाँ खाएं उसके ऊपर पढ़ के दम करती रहें, इंशाल्लाह पूरे सफ़र के अंदर बिल्कुल ठीक रहेंगी, किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं होगी और खैरियत से वापस आएंगी। तो मैं भी दिल से दुआ करता हूँ। बहुत शुक्रिया।